दूरमुदैति देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। हरि ओम। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अनीता जैन, संस्कृत दर्शन एवं वैदिक अध्ययन विभाग वनस्थली विद्यापीठ से शोध पत्र हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। सभी को नमस्कार। मैं देवेश शर्मा, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ वैदिक स्टडीज एंड फिलोसफी, बनस्थली विद्यापीठ से आज आपके सामने ये प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अपने गाइड के साथ। इस प्रेजेंटेशन का नाम है वैदिक एनवायरमेंटल एथिक्स, अ फ्रेमवर्क फॉर कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आज हम सभी देखते हैं, असीमित औद्योगिक विकास के कारण आज का मानव गंभीर पर्यावरणीय विपदाओं से ग्रसित हो गया है। प्रदूषण रूपी दानव से मानव जीवन के संरक्षण का प्रश्न वर्तमान वैज्ञानिक युग का सर्वाधिक चर्चित प्रश्न है। आधुनिक उपभोक्तावाद से उपजी भौतिकता और भोगलिप्सा तथा औद्योगिक क्रांति से प्रभावित पाश्चात्य विचारधारा ने प्रकृति का दोहन और शोषण करने की जिस प्रवृत्ति को जन्म दिया, उसके दुष्परिणाम आज हमारे सामने हैं। In a world that is grappling with climatic changes, Vedic wisdom can offer insightful paths forward. As humanity is growing apart from nature, the wisdom of Vedas call us back to our roots, promoting harmony and respect. This presentation today explores how ancient principles can illuminate contemporary environment issues, proposing actionable frameworks. The nature is crying for attention. The conflict between humanity and the natural world is widening, and it is quite alarming. There are recurring disasters like floods, droughts, global warming, and their consequences are resonating across the globe. Recognizing that there is a gap and conflict between humanity and the environment is the first step that is necessary to do a paradigm shift that unites us with the environment. So, how can ancient wisdom, specifically Vedic philosophy, guide us in mending a relationship with Mother Nature? For this, we can have a quote from Atharvaveda, "Mata Bhumi, Putro Aham Prithviyah," a Vedic saying that expresses a deep respect for Earth. We do not see Earth as an entity that is to be exploited for our needs and greeds, but show the relationship between humanity and Earth as that of between mother and her son. हम देखते हैं कि वेदों में पर्यावरण संरक्षण पर पर्याप्त सामग्री मिलती है, जहां पंचभौतिक तत्वों को प्रदूषण से बचाने के लिए अनेक मंत्रों का निर्देश किया गया है। अतः प्रदूषण की ओर अग्रसर विवादों से ग्रसित और जो मानव जीवन है और वैश्विक पर्यावरण है, उसकी रक्षा हेतु वेदों में उल्लिखित उपायों का विश्लेषण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वेदों में उल्लेख मिलता है, अक्षय मा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व, अर्थात जुआ मत खेलो, खेती करो और धन में रमण करो। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी संस्कृति में अर्थ की कहीं भी उपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि ऋग्वेद में कहा वित्ते वयम श्याम पतयो रैणाम। इसी प्रकार जो यजुर्वेदीय मंत्र है, बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है और बहुत ही उत्तम शिक्षा हमें देता है, जिसमें कहा गया है तेन त्यक्तेन भुंजीता मां ग्रदह कस्वे सिद्धनम आदि। जो संदर्भ हैं वो हमें त्यागपूर्वक भोग की बात करते हैं और अर्थ के प्रति लौलुकता की भावना का निषेध करते हैं। उक्त मंत्र में कहा गया है कि दूसरे के धन पर गिद्ध दृष्टि मत रखो, क्योंकि जो श्रम पूर्वक कमाया हुआ अर्थ है, वही हमें समृद्धि को प्रदान करने वाला हुआ करता है। मेरा मानना है कि वैदिक युग का अर्थवाद जब इस युग में लाया जाएगा, वैदिक युग का अर्थवाद जब इस युग में लाया जाएगा, तो आर्थिक स्थिरता का उद्घोष सफल हो जाएगा। हम देखते हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम आदि जो उत्तम भाव हैं, वो हमें अनेकत्र प्राप्त होते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने में हमारे सहायक होते हैं।
वनस्पति संरक्षण के भी अनेक मंत्र वेदों में प्राप्त होते हैं, जिनकी आज के युग में अत्यधिक महत्ता है। ऐसे ही हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी देखते हैं कि वो वैदिक दृष्टिकोण के साथ कितना जुड़ा हुआ। करंटली देयर इज अ यूनानिमस साइंटिफिक अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज रिवीलिंग दैट देयर आर डायर इंपैक्ट्स ऑन इकोसिस्टम एंड फ्यूचर। द यूनिवर्स इज डेलिकेट बैलेंस डिस्क्राइब्ड एज फाइन ट्यून्ड एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड अडहियरिंग टू नेचुरल लॉज एंड वेल द सस्टेनेबल फार्मर। मोर ओवर ग्लोबल सिस्टम्स आर इंट्रिकेटली लिंक्ड एंड फीडबैक लूप्स डेमोंस्ट्रेट हाउ वन एक्शन कैन हैव रिपल throughout the planet. It's crucial to grasp the scientific insights as we explore solutions inspired by Vedic wisdom. Stephen Hawking, the English theoretical physicist and cosmologist, states that the laws of science as we see them at present contain many fundamental numbers like the size of electric charge of electron and the ratio of masses of the electron and proton. Now, it is a remarkable fact that these values and numbers seem to have been very finely adjusted to make possible the development of life. अगर हम देखें कि संसार पूरे नियमों के अनुसार चलता है, देर आर कॉस्मिक लॉस, और अगर इनमें थोड़े भी बदलाव होते या एक थोड़े भी अलग होते तो ये जिंदगी, ये प्लैनेट, ये ब्रह्मांड क्या, इन सभी का अस्तित्व शायद होता ही नहीं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस कॉस्मिक लॉ को समझे और देखें कि कहाँ पे ह्यूमन लाइफ और नेचुरल वर्ल्ड की फ्लरिशमेंट सबसे ज्यादा होती है। सिमिलरली ही रित का कंसेप्ट है वेदों के अंदर। रित हमें बताता है कि एक कॉस्मिक ऑर्डर है जो सभी इस पूरे संसार का संचालन करता है। जेम्स लवलॉक का यह हाइपोथेसिस प्रपोजेस द अर्थ एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनिज्म। जस्ट एज रिता मेंटेन्स कॉस्मिक बैलेंस, द गाया हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट द अर्थ सिस्टम वर्क्स टू प्रिजर्व कंडीशंस सूटेबल फॉर लाइफ। द बायोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड जियोस्फीयर आर इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्लैनेट्स होमियोस्टेसिस। And when human activities disrupt these natural cycles, it has a cascading effects felt across the entire Earth. एक और प्रिंसिपल जो वसुदेव कुटुंबकम, जहाँ पे हम पूरे संसार को अपने परिवार के रूप में देखते हैं, हर एक की अपनी वैल्यू देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उसकी जो वर्थ है, उसकी जो वैल्यू है, वो डिपेंड करती है ऑन यूटिलिटी ऑफ ह्यूमंस, हमारी नीड या ग्रीड पे। उसका नाम है डीप इकोलॉजी, जो कि प्रसिद्ध एनवायरमेंटल फिलोसोफर आर्ण्य न्यास ने हमें दी है। आर्ण्य न्यास की डीप इकोलॉजी पॉइंट करती है दैट ऑल लिविंग बीइंग्स हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ द यूटिलिटी टू द ह्यूमंस। दिस अलाइंस विद द वैदिक पर्सपेक्टिव व्हिच व्यूज द यूनिवर्स एज अ यूनिफाइड होल वेयर एवरी एंटिटी हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू। ऐसे ही एक और कोट, सर्व खलविदं ब्रह्म, हम सब कुछ ब्रह्म की ही मैनिफेस्टेशन मानते हैं। हम देखते हैं कि हर जीव के अंदर वो ही ब्रह्म या आत्मा है। तो हम ऐसे जीव से कैसे हेट कर सकते हैं या फिर कैसे उसे हार्म पहुंचा सकते हैं। There must be convergence of perspectives and unity and understanding. Striking similarities are seen between Vedic concepts like Rith and modern scientific principles, highlighting a shared truth. A holistic approach that intertwines both can address environmental challenges effectively. इसी का उदाहरण आज contemporary studies में देखा जा रहा है। Preliminary data show करता है कि घर के अंदर जब यज्ञ किया जाता है, जिसमें मैंगो वुड या ऐसे वुड्स इत्यादि यूज किए जाते हैं, so there is a potential reduction in particulate matter, CO2, nitrogen dioxide, sulfur oxide and other pollutants after yagya service. और यज्ञ खत्म होने के बाद भी एक fragrant environment एक या दो दिनों तक उस घर में पाया जाता है। Shifting from an anthropocentric viewpoint is absolutely necessary. जब तक हम इंसानों को ही इस ब्रह्मांड के बीच में मानेंगे और सबसे जरूरी मानेंगे, तब तक हम पर्यावरण क्या खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। हमें अपने आप को इसका पार्ट समझना पड़ेगा और अपने आप को इससे अलग नहीं समझना पड़ेगा। सो देयर इज इट इज मस्ट दैट वी शिफ्ट टू एन इकोसेंट्रिक व्यू व्हिच इज वाइटल इन फॉस्टरिंग अ सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद द नेचर। सही कहा। हम देखते हैं कि जो वेदकालीन ऋषि हैं, उन्होंने यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म ये कहकर के यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कर्म के रूप में माना है। यज्ञ वस्तुतः देखा जाए तो वह विधि है जिसके द्वारा न केवल प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखा जा सकता है, बल्कि इसके द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन भी बना रहता है। यज्ञ को हमारे यहाँ पर भुवनस्य नाभि कहा गया है। वेदों में जितने भी वृत्र, राक्षस, अत्रिन, असुर इत्यादि प्रतीकात्मक शब्दों के द्वारा कथित जो प्रदूषणकारी तत्व हैं, उनके नाश के लिए यज्ञ अग्नि का
आश्रय लेने का आह्वान किया गया है। साथ ही अथर्ववेद में जो शांति मंत्र है, शांता द्योः शांता पृथ्वी इत्यादि मंत्र के द्वारा नित्य पाठ करने का भी आह्वान किया गया है, क्योंकि इनके द्वारा जो पारस्परिक विवाद है और जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको रोकने में बहुत लाभ हमें हो सकता है। और ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, वी मस्ट मूव फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस टू टैकल एनवायरमेंटल क्राइसिस। वी मस्ट अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज शुड बी गाइडेड बाय रिस्पेक्ट फॉर ऑल बीइंग्स, फाइंडिंग पीस बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। हमें पॉलिसी रिकमेंडेशंस चाहिए जो कि इस पर्सपेक्टिव को इंटीग्रेट करे। एजुकेशन चाहिए एंड अवेयरनेस चाहिए ताकि हम एक यूनिफाइड अप्रोच ले सके। Actionable insights will empower individuals, communities to make choices that benefit the planet and the future generations. मैं होप करता हूँ कि ये जो पेपर है ये हम सभी को किसी ना किसी रूप में जागृत करेगा और हम सब अपना रोल प्ले कर पाएंगे। निश्चित As we रूप से reflect our journey, a paradigm shifts toward harmony with nature is not just necessary but imperative. Integrating Vedic wisdom with modern scientific understanding offers a more comprehensive and compassionate framework for life on Earth. Let's advocate for a world that respects this interconnectedness of all beings, fostering a sustainable future together. Together, we can restore balance and redefine our relationship with the environment through our collective efforts. अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सर्व स्वत्व संरक्षित करने हरने आतताई अतिवार, सर्व स्वत्व संरक्षित करने हरने आतताई अतिवार, निर्भय रण प्रांगण में आकर गाओ मनुज विजय निनाद, गाओ मनुज विजय निनाद। और इस शुभ विचार से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। आनो भद्रः कृत्वो यन्तु विश्वतः, अर्थात दिशा दिशा से उत्तम उत्तम वही विचार हमारी ओर, वही विचार हमारी ओर। धन्यवाद। Thank you for all the respected members for attending this. Namaskar.